गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आर्ट की क्लास में स्टेप बाय स्टेप बुक कक्षा फिफ्थ के पेज नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 13 टॉपिक है फ्लावर कंपोजिशन। विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर ड्राइव फ्लावर कंपोजिशन। कलर इट यूज क्रियोन कलर एंड पेंसिल कलर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप क्रियोन कलर भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम बनाते हैं फ्लावर कंपोजिशन। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो आप इनको कोई भी फ्लावर ले सकते हैं, आप एक कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। जैसे नीचे आप यहाँ पे इतनी जगह में वाटर बना के, और यहाँ पर आप एक कमल का फ्लावर बना देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ कुछ ग्रीनरी दिखा के आप ये इनमें से कोई भी एक फ्लावर, ठीक है, ऐसे आप एक कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ऐसे। तो ये बनने के बाद आप कलर करेंगे इसमें अच्छे से, और ऐसे पहले रफली बनाने के बाद आप इसको फाइनल जो बनाएंगे ब्लैक पेन के साथ आउटलाइनिंग से साथ बनाएंगे। ये देखिए, आउटलाइनिंग हो चुकी है हमारी। अब बारी है कलर की। कलर के लिए मैं पेंसिल कलर यूज़ करूँगा, आप क्रेयॉन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इस फ्लावर को कंप्लीट। यहाँ पे देखें, ये है जो डार्क पिंक कलर। डार्क पिंक कलर से हमने शेडिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखिए यूज के शेड। याद रखिए, इसको पूरा हमने कलर को भरना नहीं है, सिर्फ हमने शेडिंग के साथ इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए, ऐसे ही मैं भी हम शेड कर देंगे। डार्क शेडिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे लाइट पिंक, जो कलर है मेरे पास। देखिए, लाइट पिंक कलर से हम इसकी शेडिंग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अब इसको हम लाइट पिंक से शेड करेंगे। जो एरिया हमने हाईलाइट रखना है, देखो ये वाला, इसमें ज़्यादा कलर हम फील नहीं करेंगे, सिर्फ शेडिंग के साथ इसको हल्के से मिक्स करेंगे। देखिए, देखिए कितना इजी है। पूरे में कलर नहीं भरना हमने, जो हमारा हाईलाइट एरिया है उसमें हमने कलर भरना नहीं है, सिर्फ शेडिंग के साथ उसको मिक्स करना है और उसमें वाइटनेस ऐसे रहे। देखिए, ये हो चुका है हमारा। उसके बाद जो पीछे भी हल्के से वो बने हुए हैं फ्लावर की पंखुड़ियाँ, ये भी हम ब्लैक पेन के साथ ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, हो चुकी हैं। इनके अंदर हम करेंगे लाइट पिंक।
इसके बाद बारी है, यहाँ पे हम करेंगे लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन शेड के साथ कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी जो एरिया हमने हाईलाइट करना है उस वो लाइट ग्रीन के साथ कंप्लीट करेंगे। येलो करेंगे इस यहाँ पे हाईलाइट पे, पहले हम लाइट ग्रीन, उसके बाद जो हाईलाइट रखना हमने वो करना है येलो के साथ। यहाँ पे भी हम येलो हाईलाइटर करेंगे, हल्का सा हम इसमें ग्रीन कलर से शेड करेंगे। ये भी हो चुका है। नीचे हम करेंगे वाटर के लिए स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर के बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ रही है इस फ्लावर की, इस फ्लावर में हम कलर करेंगे जो यहाँ से इसमें है येलो और ऑरेंज, ठीक है। बेस में हम करते हैं ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज की कुछ लाइनें इसके अंदर हैं, सिर्फ कुछ लाइनें हैं, उसमें कलर ज़्यादा नहीं भरना। इसके बाद येलो कलर हम फिल कर देंगे इसमें। देखिए कितना इजी है कलर करना। कुछ यहाँ पे भी है, ठीक है। अब आ रही है ग्रीन की, तो लाइट ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। हो चुका है, यहाँ पे भी हम कुछ लाइट ग्रीन कर देते हैं ग्रीनरी के लिए। अब हम डार्क ग्रीन के साथ इसमें शेडिंग करेंगे। देखिए एक साइड हम डार्क ग्रीन से शो करेंगे, हाईलाइट हमारा रहेगा लाइट ग्रीन। ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बैकग्राउंड में हल्के हल्के यहाँ पे स्काई कलर कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट लाइट, तो पेज नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, आई होप
सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे पेज नंबर 13 को, फ्लावर कंपोजिशन। ओके बेटा, थैंक यू।